हमारी संस्कृति हमारी पहचान यज्ञ योग आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम भारतीय संस्कृति में यज्ञ योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं जिसका मूल है वेद इतिहास की ओर दृष्टि डालें, तो भगवान राम भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है नायम लोको यज्ञ से कुतोन्युरु सत्तम जो व्यक्ति यजन नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुख कर नहीं होता है परलोक की तो उसकी बात ही छोड़ दीजिए श्रीमद भगवद गीता विशेष रूप से इन बातों को बताया वही चाणक नीति में स्वाहा स्वर स्मशान याग आदि नहीं होते हैं वह स्मशान के तुल्य जानने चाहिए और स्मशान के तुल्य त्याज्य होते हैं वहां पे आवास के योग्य नहीं होते इसी प्रकार मनुस्मृति में भी कहा स्वसनम अभी कहते हुए कि जो मनुष्य अपने जीवन में यज्ञ नहीं करता है हवन नहीं करता है अग्निहोत्र नहीं करता है वह श्वास लेता हुआ भी श्वास नहीं ले रहा है वो जीता हुआ भी जीवित नहीं है मुर्दे के समान है इसे कठोर कठोर शब्द में कहा यज्ञ नहीं करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा जिस व्यक्ति को यज्ञ के मंत्र नहीं आते देव यज्ञ जो नहीं करता है उस मनुष्य को ऐसे त्यागना चाहिए वैसे गांव से बाहर कर देना चाहिए उसका कोई आदर नहीं करना चाहिए और समाज से उसको अलग कर देना चाहिए इसे कठोर कठोर वाक्यों का प्रयोग करते हुए भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा, और इतना ही नहीं और भी अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूपों में इस यज्ञ की इस हवन की इस अग्निहोत्र की महिमा को बताते हुए बहुत सारी बातें बताई एक और जहां हमें विशेष विशेष आश्वासन मिल रहे हैं वहीं एक और अग्निहोत्र नहीं करने पर इतनी बड़ी मात्रा में ऐसे कठोर वाक्य शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा मूल बात कहने का अभिप्राय है कि इस यज्ञ को इस हवन को इस अग्निहोत्र को हम अपने जीवन में धारण करें प्रतिदिन यज्ञ करें हवन करें अग्निहोत्र करें और अपने जीवन को हम धन्य बनाएं इस प्रकृति का हम पोषण करें हम अपने ऋणों से हम उऋण हो हम देवीय शक्तियों की आराधना ईश्वरीय शक्ति की आराधना इस यज्ञ के माध्यम से करें इतना ही नहीं यह मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर अग्निहोत्र का के माध्यम से संपन्न होता है इसलिए जो यह यज्ञ है हवन है अग्निहोत्र है यदि हम अपने शास्त्र के रूप में देखें अपने प्राचीन ग्रंथों में हम देखें तो इस यज्ञ को एक विशेष रूप में देखा गया और कहा गया एन सद अनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत आध्यात्मिक आदि देविक आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदापितहेयम् कहा एन सद अनुष्ठानेन जिस सद अनुष्ठान से संपूर्ण विश्वम कल्याण भवन संपूर्ण विश्व का कल्याण होता हो एक व्यक्ति का दो व्यक्ति का एक जाति का दो जाति का नहीं संपूर्ण विश्व का जिससे कल्याण होता हो और आध्यात्मिक, आधी देविक और भौतिक ये हमारे जीवन में आने वाले जितने भी प्रकार के दुख है उसकी कैटेगरी हमारे ऋषियों ने बनाई है और इन तीन प्रकार के दुखों में सभी प्रकार के दुख कष्ट बाधा पीड़ा याद तीनों प्रकार के दुखों का उन्मूलन अर्थात दूर करना उसको नष्ट करना सुकर्म सरल हो जाए जिससे उसको कहा, उसको हवन कहा, उसको कहा, कहा, हवन अग्निहोत्र कहा यह की अग्निहोत्र की महिमा एन सद अनुष्ठान स्वर्गादि प्राप्ति सुलभा तद यज्ञ पदाविधे जिस अनुष्ठान से यज्ञ से अग्निहोत्र से स्वर्गादि स्वर्ग सुख विशेष की प्राप्ति होती है विशेष विशेष सुख की प्राप्ति जहां होती है उसको कहते हैं यज्ञ और मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा नहीं मिलेगा है नहीं है हमें नहीं पता किसी को लेकिन ये निश्चित है जिस परिवार में जिस घर में जिस स्थान पर प्रतिदिन यज्ञ होता है वहां पर स्वर्ग जैसा वायुमंडल स्वर्ग जैसा स्थान बन जाता है मरने के बाद स्वर्ग में जाना और उस सुखों की कल्पना करना एक अलग है और यज्ञ करके हम स्वयं स्वर्ग को अपने घर में अपने परिवार में अपने समाज में हम अवतरित कर सकते हैं ये ताकत ये शक्ति ये सामर्थ्य इस यज्ञ के अंदर है हवन के अंदर अग्निहोत्र के अंदर है मरने के बाद तो बहुत स्वर्ग की बातें करते हैं लेकिन जीते हम स्वर्ग में जिए तो वह स्वर्ग का निर्माण सुख विशेष का निर्माण इस यज्ञ से होता है मानसिक शांति मिलती है स्ट्रेस तनाव डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है मानसिक शांति का सबसे बड़ा उपाय इस संसार में कोई है तो वो यज्ञ है हमारे पास बहुत कुछ धन है बहुत अच्छे परिजन हैं बहुत सारा बिजनेस धंधा सब कुछ है लेकिन मन में शांति नहीं है तो ये सारी की सारी चीजें वहीं के वहीं धरी पड़ जाती मानसिक शांति एक सबसे बड़ी उपलब्धि है और वो मानसिक शांति सरलता से सहजता से किसी माध्यम से प्राप्त होती है तो यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र इसलिए यह यज्ञ कीजिए हवन कीजिए अग्निहोत्र कीजिए और यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के पश्चात ये जो अंगारे आप देख रहे हैं उन अंगारों को थोड़ा सा इस प्रकार से अग्नि शांत हो गई है उसको व्यवस्थित कर दिया उसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में यह आप देख रहे हैं गुगुल। इस गुगुल का प्रयोग विशेष रूप से हम यज्ञ में करते हैं इसको थोड़ी सी मात्रा में लेकर के इस प्रकार अंगारों के ऊपर रखते हैं और उसकी धुनी करते हैं और हो सके तो थोड़ा सा उसके ऊपर इस प्रकार गाय का घी लिया और उसको थोड़ा सा गीला कर दिया थोड़ा सा गाय का घी भी ऐसे आप गुड़ है, है उसको भी हल्की सी मात्रा में आप अंगारों के ऊपर रख सकते हैं और उससे उठने वाली जो सुर भी है जो सुगंधी है उसको चारों ओर के वायुमंडल में घर में फैलने दीजिए और इस धुनी इस मंद मंद सी उठ रही सुगंधि मेडिकेटेड एयर सुगंधित एरोमेटिक एयर इसमें रहने से अथर्ववेद में कहा न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेष जस्य गुलगुलोह सुरभिर गंधो अश्नुते न तम यक्ष्मा अरुंधते उसको जिसको हम आज बैक्टीरियल वायरल डिजीज कहते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से पैदा होने वाली जो अलग अलग प्रकार की बीमारियां कोई उपचार अलग अलग दवाइयों के रूप में अर्थात मानुषिक चिकित्सा के रूप में नहीं तीन प्रकार की चिकित्सा बताई एक मानुषी होती एक आसुरी होती है एक देवीय चिकित्सा होती है जिसमें मानुषिक चिकित्सा में जिसका कोई उपचार नहीं है जिस बीमारियों का वह बीमारी भी हमारी ठीक होती है इस यज्ञ हवन अग्निहोत्र देवीय चिकित्सा से और उसके पश्चात इस गुगुल आदि को इस प्रकार अंगारों के ऊपर रख करके और उसकी मंद मंद से धुनी करने पर कहा न तम यक्षमा अरुण उसको किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी भयावह बीमारी है वो होती ही नहीं न तम यक्षमा अरुण नैनम सपथो अश्नुते उसको किसी भी प्रकार का ताप संताप किसी भी प्रकार की ऐसी दूर शक्तियां उसके ऊपर वार नहीं कर सकती उसके ऊपर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं करना, नम यक्ष मारो दे नैनम सप्त वर्ष में यम भेषज से गुलगुलो जिसको यह भेषज औषध गुगुल की सुरभिर गंधो अश्नुते यह भेषज औषध गुगुल की सुरभि सुगंधि प्राप्त होती है तो यह जो गुगुल है वह आरोग्य के लिए स्वास्थ्य के लिए और आप एक बार अपने घर में सुगंधि करेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे इतनी मधुर मधुर इसकी सुगंधि होती है अब इस सुगंधि से भी इसको कहते हैं एरोमाथेरेपी गंध चिकित्सा ये जो गंध विशेष आती है जैसे इसे श्वेत चंदन है हमारे पास श्वेत चंदन भी हम डालते हैं उसकी एक अलग खुशबू उसमें परफराल तत्व होते हैं वह जो परफराल होता है वह, वह विशेष करके सोमनस्य कार्य होता है हमारे मस्तिष्क के अंदर जो पिचुटरी ग्लैंड से लेकर के अलग अलग जो ग्रंथियां होती हैं उन ग्रंथियों में अलग अलग हार्मोन्स बनते हैं उसमें जैसा हम विचार करते हैं उसके आधार पर भी जो हम सुगंधी ले रहे हैं उन सुगंधियों के आधार पर भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग हार्मोन्स बनते हैं और एक परफराल नाम का इसमें तत्व होता है वो जो वायुभूत होकर के जब हमारी नासिका के माध्यम से ग्रहण होता है तो वो सो मनुष्यकारी होता है अर्थात गुड़ हार्मोन्स को बनाने वाला होता है स्ट्रेस हार्मोन्स को दूर करने वाला होता है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चिकित्सा है मानसिक शांति प्राप्त करने में जैसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं जो हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो मंत्रों के उच्चारण से जो लाभ होता है वो तो विशेष होता ही होता है उसका तो अपने आप में तन मन प्राण पर्यावरण इन सब के ऊपर प्रभाव पड़ता है लेकिन उसके साथ साथ जो यह सुगंधी यज्ञ में जो जड़ी बूटियां जल रही हैं, उससे निकलने वाले जो यह धूम रहे जो सुगंधी है वो हमारी नासिका के माध्यम से ग्रहण होकर के हमारी ग्रंथियों को प्रभावित करके हार्मोन्स को चेंज करके भी स्ट्रेस तनाव डिप्रेशन आदि को दूर कर सुख मनुष्यता प्रदान करने वाला होता है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी और विशेष और उसके अंदर एक विशेष तत्व होते हैं जो यह गुगुल है जैसे मैंने कहा चंदन के अंदर विशेष रूप से परफराल होता है वो इस प्रकार से विशेष लाभकारी होता है इसी प्रकार से यह जो गुगुल हम जला रहे हैं जिस गुगुल की आप देख पा रहे हैं उस धुनी के अंदर वाष्पशील तेल होते हैं केमिफोरिक अम्ल होता है, है।, है। प्लेनोलिन होता है ओलिनिक होता है स्टीरिक होता है कि कई सारे ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं जो कंपोनेंट्स विशेष करके हमें लाभ प्रदान करने वाले होते हैं गुड हार्मोन्स को बनाने वाले होते हैं स्ट्रेस तनाव आदि को दूर करने वाले होते हैं और कई सारे प्रकार के रोगों को दूर करने वाले होते हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष बात है इसलिए जो हम यह यज्ञ कर रहे हैं हवन कर रहे हैं अग्निहोत्र कर रहे हैं जो हम धुनी कर रहे हैं इसमें यह एक अपने आप में एक विशेष बात है कि जो यज्ञ हवन अग्निहोत्र हम कर रहे हैं उस यज्ञ हवन अग्निहोत्र को करने पर हमें विशेष विशेष लाभ इस यज्ञ से इस हवन से इस अग्निहोत्र से हमें प्राप्त होते हैं और इन विशेष लाभों को प्राप्त करने के लिए यज्ञ हवन अग्निहोत्र को करने के लिए हम सभी लोग यज्ञ भी करें और यज्ञ के बाद इस प्रकार से कुछ विशेष हवीर द्रव्यों को लेकर के उसको अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी ध्वनि आदि करना यह कार्य भी हम विशेष रूप से संपन्न करें और इस वायुमंडल में बैठ करके आप अनुलोम विलोम भस्त्रिका कपाल भाती आदि प्राणायामों का अभ्यास रोगानुसार आसनों का अभ्यास ये सारा करते हैं तो उसका और विशेष हमें लाभ प्राप्त होता है तो इस प्रकार इस यज्ञ को इस हवन को इस अग्निहोत्र को हम प्रतिदिन किया करें और इस प्रकार प्रतिदिन इस यज्ञ हवन अग्निहोत्र को करने पर हमें विशेष विशेष लाभ प्राप्त होते हैं और जो भाई बहन का कोई प्रश्न है कोई कुछ पूछना चाहते हैं चाहे यज्ञ चिकित्सा से संबंध में अग्निहोत्र से संबंध में तो वो भी अपना हाथ खड़ा करें और आगे के क्रम में हम आपका प्रश्नोत्तर आदि रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे हमारे आदरणीय माता मीनाक्षी माता जी का प्रश्न है कि जब जल जाते हैं तो उस समय उस जलन में हम कौन से द्रव्य का विशेष रूप से प्रयोग यज्ञ में किस प्रकार से चिकित्सा ले सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं मैं एक बार भोपाल गया था वहां पर माधव पोटदार करके एक आश्रम है उस माधव आश्रम के अंदर वहाँ पर यज्ञ अग्निहोत्र और उसकी चिकित्सा विशेष रूप से वो लोग बहुत काफ़ी समय से कर रहे हैं और उन लोगों का जो वहाँ पे अनुभव था एक माता जी मेरे को वहाँ मिली और उन्होंने कहा कि उनका एक्सीडेंट हुआ था और एक तो उसका केस बताया और दूसरा इस प्रकार के कई सारे जलन कभी तेल गिर गया बहुत ज़्यादा गर्म पानी गिर गया या कहीं किसी गर्म चीज के ऊपर छू गए और वो हो गया तो क्या करे तो उस समय वहाँ पर विशेष करके वो यज्ञ की जो भस्म है उसको गाय के घी के साथ लेपन करके और उसको लगवाते हैं और उसको लगाने पर उसकी जलन का दूर होना और दूसरा उसका जो रिकवरी होता है जल्दी से बहुत कम समय ही रिकवरी हो जाती है और वहाँ पर जो ज्यादा जल जाता है उसके बाद दाग बच जाता है या कभी घाव भी हो गया तब भी दाग बच जाते और एक निरंतर प्रयोग करने पर दाग तक भी नहीं बचते ये उन्होंने अनुभव शेयर किए थे विशेष रूप से तो ये मैं आपके सामने उदाहरण के रूप में आज आपने पूछा मेरे को याद आया ताकि हमने अभी तक इस प्रकार का कोई प्रयोग परीक्षण करके देखा नहीं है लेकिन वो माता जी ने जरूर वहां पे हमने बताया था और सारी चीजें कई सारे केस हमने देखे थे वहां पे अलग अलग प्रकार के और हम जो केस भोपाल गैस कांड के हम सुनते हैं कि भोपाल में जब गैस कांड हुआ था मिथेन आइसोसाइनेट गैस जब रिसाव हुआ था और रात में एक ऐसा मंजर भोपाल में खड़ा हुआ था कि हजारों की संख्याओं में लाशें बीच चुकी थी सुबह तक में और एक भयावह स्थिति उसके बीच में एक कुशवाहा परिवार और राठौड़ परिवार जो ऐसे दो परिवार थे जिन्होंने उस समय में यज्ञ किया वहां बैठे और उन्होंने एक उस भयावह स्थिति से अपना बचाव किया और सारे परिवार चारों ओर लाशों का मंजर है और उसके बीच में वो दो परिवार बचे हुए सामने आए और उसका कारण था उन्होंने निरंतर उस समय में यज्ञ करना प्रारंभ और वो जो यज्ञ कर रहे थे तो उन्हीं को मैं मिलने के लिए जानने के लिए कि किसके परिवार में घटना हुई कौन लोग थे और मैं गया था और उन लोगों ने भी यही गाय के गोबर के कंडों से ही यज्ञ किया था और चावल और गाय की घी की आहुतियां देते हुए मृत्युंजय मंत्र से उन लोगों ने यज्ञ किया था और विशेष रूप से उससे बचाव हुआ था और उसके बाद भी जो उसका दुष्प्रभाव था डॉक्टर लोग भी सरकार भी वहां पे जो गर्भवती माताएं थी और बच गई थी उनको भी गर्भपात करा रहे थे कि आप ये बच्चे को जन्म देंगे तो ये विकलांग होंगे बहुत ज्यादा उनको उनको जीवन भर कष्ट होंगे और और अलग अलग प्रकार से डराए गए और कराये गया उस समय भी इस माधव आश्रम के माध्यम से जो यज्ञ का प्रचार चल रहा था उन्होंने उन माताओं बहनों को प्रेरित किया कि ये पाप कर्म को आप ना करें आप कुछ भी अवस्था आप प्रतिदिन यज्ञ अग्निहोत्र कीजिए और उसमें बैठ करके आप प्राणायाम आदि कीजिए और ये चीज़ें उन्होंने निरंतर करीब उनके पास 19 माताएं इस प्रकार जो उनकी बात मानी और कई सारी ऐसी माताएं थी जो डॉक्टर लोगों की बात माने तो उन्होंने करा दिया गर्भपात आदि लेकिन 19 माताएं इनको ऐसी मिली जो इससे सहमत हुई और उन्होंने प्रतिदिन यज्ञ और यज्ञ के उपरांत उसमें बैठ करके ध्यान करना प्राणायाम करना आदि करना प्रारंभ कर दिया और आपको आश्चर्य होगा कि उन केसों में एक भी केस ऐसा नहीं मिला कि जिनका बच्चा विकलांग हो किसी भी प्रकार की कमी से युक्त हो कोई बीमारी से युक्त हो और स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया ये भी वहां पर एक घटना एक बहुत बड़ी घटना थी और इसी प्रकार और भी बहुत सारी चीजें वहां पर मैंने देखी तो उसमें ये जो हम जल जाते हैं तो उस समय भी खरल की हुई बिल्कुल बारीक जो भस्म होती है उसको गाय की घी के साथ करके और वो लगवाते हैं चाहे कोई घाव हो गया हो एक्सीडेंट आदि हो गया कहीं और हो गया या इस प्रकार के जो भी वो होता है उसमें भस्म को लगाने पर विशेष लाभ होता है और एक होता है मूढ़ घाव जिसे जोर से घाव लगा खून तो नहीं निकला लेकिन सूजन आ जाती है हड्डी में अंदर दर्द करता रहता है मांसपेशियों में दर्द हो जाता है तो उसमें भी यज्ञ की भस्म का बड़ा सा लेप लगाने पर उसमें भी राहत होती है और एक बार हम झारखंड के मरक में हमने एक यज्ञ महोत्सव कार्यक्रम रखा था बहुत बड़ा कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में जो हमारी रसोई का कार्य देख रहे थे एक वहां के ही स्थानीय राजा जी थे और उनको पैर में इसी प्रकार से कई समय से दर्द था और जब वो ज्यादा लंबे समय तक खड़े रहते हैं या चलना पड़ता है या ऐसी स्थिति आती है तो और वो सूजन भी पैर में बढ़ जाती थी और दर्द भी बढ़ जाता था और उस समय वो यज्ञ महोत्सव आठ दस दिन का कार्यक्रम था उसमें वो आए तो प्रतिदिन रसोई आदि बनाने से लेकर खड़ा भी रहना चलना फिरना बहुत हुआ तो उनके पैर में सूजन हो गई दर्द हो गया और उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें अब हम वहां यज्ञ कर रहे थे हर रोज प्रतिदिन अपने प्रकोष्ठ के अंदर तो वहां पर भस्मती हमने कहा ये भस्म ले जाओ इसको लगा लेना ठीक हो जाएगा अब कैसे लगानी है वो तो उन्होंने भी पूछा नहीं और हमने भी बताया नहीं उन्होंने घर पे जाकर के विचार किया अब इसको लगाने लगा अब लो कैसे वैसे लगाऊंगा तो वो तो भस्म रहेगी नहीं उन्होंने उसको पानी से हल्की सी गीली की और गीली करके मोटी मोटी सी भस्म लगा करके और उसके ऊपर एक कपड़ा लपेट दिया और सुबह तक में वो सूजन भी गायब और दर्द भी गायब और सुबह में आकर के स्वामी जी की आपने जो भस्म दिया था उसका ऐसे ऐसे प्रयोग किया और ऐसे अद्भुत लाभ हुआ जो कि आज पर्यंत में कितने सालों से दवाई ले रहा हूँ ऐसा लाभ कभी नहीं तो इस प्रकार सूजन और दर्द में भी भस्म का इस प्रकार प्रयोग करने पर लाभ होता है तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे भस्म के प्रयोग हैं जो हम विशेष रूप से कर सकते हैं प्रणाम ये हुआ, हुआ है। जी जब मैं दो साल की थी तब मुझे ये हुई बीमारी तो क्या ये वहाँ पर आकर ठीक हो सकता है कुछ इसके लिए आप प्रतिदिन हवन यज्ञ अग्निहोत्र के साथ जरूर जुड़िए देखिए हम जब यज्ञ हवन अग्निहोत्र करते हैं तो उससे हमारे पांच प्राण पंच उपप्राण, सप्त धातु अष्ट चक्र इन सब में शक्तियों का संचार होता है ऊर्जान्वित होती है जब उसमें शक्तियों का संचार होता है वो ऊर्जान्वित होती है तो उसका विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है तो आप इस यज्ञ चिकित्सा जिसको देवी चिकित्सा कहते हैं उसको जरूर अपनाए और उसमें विशेष जो हवन सामग्री है देव पूजा आदि मेध्य उसका प्रयोग कीजिए बाद में गुगुल गाय का घी आदि की धुनी और उसमें बैठ करके जितना हो सके अनुलोम विलोम भस्त्रिका कपाल भाती भ्रामी उदगी ध्यान आदि जो प्राणायाम का पूरा क्रम परम पूज्य सरदेव स्वामी जी, जी महाराज बताते हैं उसको निरंतरता के साथ कीजिए आपको निश्चित रूप से उसमें विशेष लाभ होगा हमारे आदरणीय प्राता लक्ष्मींदर सिंह जी का प्रश्न है यूट्यूब के ऊपर वो पूछ रहे हैं कि उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है और फूड पाइप जो आहार नली होती है उसमें इंफेक्शन है और जलन होती है तो क्या करें? देखिए सबसे पहला आप प्रतिदिन यज्ञ करें और यज्ञ के अंदर श्वेत चंदन का विशेष रूप से देव पूजा हवन सामग्री के साथ प्रयोग करें और हवन करने के पश्चात अंगारों के ऊपर श्वेत चंदन गुगुल गाय का घी आदि डालकर के उसकी धुनी करें उसमें बैठकर के अनुलोम विलोम कपाल कपालभाति भ्रामरी उद्गीत और शीतली शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास भी विशेष रूप से करें उसके साथ-साथ आप अपने आहार विहार में परिवर्तन करें ज्यादा उष्ण उष्णताशील वाले पदार्थ है उसको ना लें या कम से कम मात्रा में लें इसी प्रकार से पानी की मात्रा आप बढ़ा दें और सुबह में उषापान जरूर करें खाली पेट 1 लीटर तक पानी आप जरूर पिए बिना मुंह धोए और उसके साथ साथ आप जैसे उदर से संबंधित विकारों को दूर करने के लिए और एसिडिटी को कम करने के लिए जो हम यज्ञ करते हैं हवन करते हैं अग्निहोत्र करते हैं उसके बाद अब ये अंगारे हैं बाद में ये राख के रूप में जब आ जाए तब उस राख को कपड़े में छान करके थोड़ा सा खरल करके और उसके बाद उस भस्म को एक लीटर के हिसाब से दस ग्राम उसमें एक छोटा कपड़ा पतला सा लेकर के उसमें डालिए और उसको पोटली बांध करके पानी में डाल दिए आप दिन में ज्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और वो पानी यज्ञ से भस्म से सिद्ध किया हुआ अर्थात ये जो यज्ञ की भस्म है एक लीटर के हिसाब से दस ग्राम भस्म लेकर के उसकी पोटली बांध करके उस पानी में रात को डाल दीजिए रात भर रहने दीजिए और सुबह में दो तीन बार उस पोटली को हिला करके इसे निचोड़ दीजिए तो इसका एप्ट्रिक भाग और थोड़ी भस्म उस पानी में आ जाएगी और उसी भस्म के पानी को पीजिए उससे अतिरिक्त और कोई पानी नहीं बना आप दाल बना रहे उसमें भी उसको डाल सकते हैं रोटी बना रहे उसमें भी उस पानी को डाल सकते हैं इसी प्रकार हर जगह पे आप यह जो अल्कलाइन वाटर है भस्म का पानी है जिसमें विशेष रूप से पित्त को कम करने की विशेष शक्ति सामर्थ्य और जब ज्यादा आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो खरल की हुई भस्म को वैसे ही एक गिलास पानी लेकर के उसमें एक चम्मच मिला दिया और उसको पी गए या फिर शहद लिया शहद में थोड़ा सा वो मिलाया और उसको चाट लिया भस्म लेने पर एसिडिटी तुरंत शांत हो जाती गुलाब और श्वेत चंदन की धुनी करने पर भी एसिडिटी तुरंत शांत हो रही एसिडिटी जैसे जैसे शांत होगी आपका जो इन्फेक्शन है आदि जो अन्य प्रॉब्लम है क्योंकि वो जब एसिडिटी बढ़ जाती है उसके कारण होता है और ये होने पर वो भी तुरंत शांत हो जाएगा तो आप इसका प्रयोग विशेष रूप से करें हमारे आदरणीय भाई लोकेश भाई जी का प्रश्न है वो जब बैठ जाते हैं थोड़े लंबे समय तो उठने में दिक्कत होती है घुटनों में दर्द रहता है तो क्या करें आप हवन यज्ञ अग्निहोत्र में आप विशेष रूप से वातारी हवन सामग्री जो वातज रोगों को शांत करने वाली उस हवन सामग्री में दस प्रतिशत या बीस तीस प्रतिशत तक काले तिल मिला करके और उससे हवन कीजिए और आहुति के रूप में जो आप गाय का घृत दे रहे हैं उसमें भी 50-60-70 प्रतिशत तक तिल का ही तेल मिलाइए और उससे हवन कीजिए इस प्रकार आप तिल का और वातारी हवन सामग्री का और तिल के तेल का प्रयोग करके हवन और बाद में तिल का तेल गुगुल और यही वातारी हवन सामग्री हल्की सी अंगारों के ऊपर डाल के उसकी धुनी कीजिए और उस धुनी वाले वायुमंडल में अनुलोम विलोम भ्रामरी उदग्र कपाल आदि प्राणायाम का अभ्यास करने का प्रयास कीजिए इस प्रकार करने पर आप देखेंगे अद्भुत आपको लाभ प्राप्त होगा करने के लिए हवन करने के लिए अग्निहोत्र करने के लिए हमें आवश्यकता होती है हवन कुंड की यह आपके सामने मैंने रखा हुआ है यह हवन कुंड नीचे से सीकड़ा हुआ और ऊपर से चौड़ा सामान्य रूप से एक चौथा इसका तल होता है जितना इसका मुख होता है एक फीट बाय एक फीट है तो उसके गहराई एक चौथाई हो जाती है इसी प्रकार से और छोटा हवन कुंड है तो उसमें थोड़ा आगे पीछे भी चल सकता है यह अलग अलग धातुओं का हम बना सकते हैं मिट्टी का बना सकते हैं भूमि पे भी बना सकते हैं इससे अतिरिक्त लोहा तांबा से लेकर के अलग अलग जो भी हमें धातु प्राप्त होती है उनका बना सकते हैं लेकिन यह जो तांबे से बनाया हुआ जो पात्र होता है वो विशेष करके लाभकारी होता है क्योंकि ताम्र पत्र के ऊपर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया आदि विशेष रूप से जीवित नहीं रहते हैं तो वैसे हम हवन प्रतिदिन धो जो लोग यज्ञ करते हैं सामान्य रूप से हम देखें तो प्रतिदिन वो नहीं धोते तो यदि हम इस तांबे का हवन कुंड करते हैं और यदि प्रतिदिन नहीं भी धोते हैं तब भी यह हमें धोए जैसा शुद्ध रूप में हमें देखने को मिलता है क्यों क्योंकि इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया आदि रहते नहीं है जीवित इसलिए हम प्राचीन काल में भी देख सकते हैं जैसे प्राचीन काल में दरवाजों की कुंडी आदि से लेकर के ऐसी चीजें जहां बार बार और ज्यादा लोगों का छूने का होता है वह ताम्र की बनाई जाती क्यों क्योंकि उसके ऊपर हमारे हाथ में बैक्टीरिया होते हैं हमने एक जगह पे छुआया वहां पर भी चिपक गया तो तांबे की जब कुंडी आदि होती है तो उसको हम छूते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया चिपका वो थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगा और वो शुद्ध हो जाएगा तो ये विशेष एक विज्ञान के आधार पर हमारी शिल्प कला आदि में विशेष रूप से उसका प्रयोग किया जाता है तो धातु का प्रयोग रूप से कर सकते तो हैं नहीं है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हमारे तो पास एक छोटी सी ऐसी थाली नीचे रख ली हमने उसके बाद एक छोटा सा स्टैंड बना हुआ है ऐसा कोई स्टैंड रख दिया और स्टैंड भी नहीं है तो हम घर में करें तो उल्टी एक थाली रख दी और उल्टी थाली रख करके उसके ऊपर क्योंकि आपका जो नीचे का फर्श है वो गर्म नहीं होगा वो उल्टी थाली रख करके और उसके ऊपर आप पात्र ऐसा रख रख करके सकते हैं और यदि हवन कुंड नहीं है तो सीधा ही आप थाली रखिए थाली के अंदर छोटे छोटे कंकन लीजिए उनको पानी से अच्छे से धो लीजिए लीजिए और उसको रख दीजिए उसके बाद थोड़ी सी रेत उस रेत उस को भी अच्छे से धो दीजिए उसको रख दीजिए और उसके ऊपर आप थोड़ा सा गौमूत्र आदि का छिड़काव करके उसको पवित्रकरण शुद्धिकरण करके कर वो थाली आपकी तैयार होगी इसको थांडिल बोलते हैं उसके ऊपर भी आप इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है तो आइए हम संकल्प लें संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें विश्व स्वास्थ्य का एक नारा यज्ञ से होगा जग उजियारा भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं साढ़े ग्यारह बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल नौ शून्य आठ पांच छ पांच तीन शून्य